वेलकम टू द चैनल तुलुनाडु वन रोड गाइस। फाइनली द डे हैज अराइव्ड एंड आई एम फाइनली गोइंग फाइनली स्टार्टिंग माय व्लॉग्स। आज शुभ मुहूर्त कर लिया है, गोप्रो को लिए हुए 4 साल होने के बाद। थैंक्स टू माय फ्रेंड वन ऑफ माय मेंटर सचिन शेट्टी शटर बॉक्स फिल्म्स। अगर मैं इतना अच्छा एडिटिंग कर पाया कि उनकी यूट्यूब चैनल को लिंक कर पाया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा उन्हें भी। आज उन्हीं की वजह से मैं ब्लॉग चालू कर रहा हूँ। ये मेरी न्यू बाइक है, जिन्हें नहीं पता, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ली है। 659 किलोमीटर्स ऑलरेडी घुमा चुका हूँ। थोड़ा फर्स्ट ऑफ राइड कर लिया था, तब बारिश थी तो गोप्रो एंड ऑल कनेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि आप जानते हो कि माइक मोड़ के होते हुए बहुत प्रॉब्लम होता है बारिश में अपने गोप्रो को जिंदा रखना। इसके लिए बेयर कर लीजिए थोड़ा। आज हम ब्रेकफास्ट राइड शायद मरवंते तक जाएंगे। ब्रेकफास्ट राइड तो नहीं, ब्रेकफास्ट करने का मूड तो है नहीं, बट हाँ राइड ज़रूर करेंगे। लेट्स सी कहाँ तक का मेरा मन होता है। मैंने नए शूज लिए तो थोड़े अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं, बट लेट्स सी क्या होता है। आई थिंक ब्लेंड इन हो जाएंगे। फ्यूल मुझे भरवाना पड़ेगा शायद, क्योंकि लास्ट 1 मीटर पे दिख रहा है। लेट्स सी कितना दूर जाती है, फिर मैं भरा लूँगा फॉर सेफ्टी। रिस्क लेना है नहीं ना, वही तो कहाँ मुझे अच्छा पावर फ्यूल मिलता है। दरअसल मुझे पावर नहीं मिलता तो मैं इधर नहीं बनाऊंगा। ओह नो, मैं अपना ऑक्टेन बूस्टर भूल गया, इसलिए कहता है जल्दी बाजी का काम शैतान का होता है। क्या कर सकते हैं, भूल गए तो भूल गए। चलिए कुछ इस नई नवेली दुल्हन के बारे में बात करते हैं। सो ये है कावासाकी की वर्सेस 1000, कावासाकी की प्रीमियम फ्लैगशिप एडवेंचर टूरर। उन्हें एडवेंचर नाम देने से पहले सोचना चाहिए था कि ग्राउंड क्लियरेंस नाम की चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इसे एडवेंचर टूरर तो नहीं कहूँगा, बट या टूरर ज़रूर कहूँगा। एडवेंचर नाम प्लीज़, अगर आप कावासाकी के फेक टैगलाइन में आके जाने वाले हैं तो प्लीज़ एडवेंचर के तो सोचना भी मत। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही घटिया है एडवेंचर कैटेगरी के हिसाब से, क्योंकि एडवेंचर कैटेगरी में आपको मिनिमम 200 mm तो ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, ये सिर्फ आपको 150 देती है। सो भैया जी, खरीद के एडवेंचर पे तो मत जाना, पर ना इंजन कैनिस्टर का अच्छा खर्चा आ जाएगा आपको। सो एडवेंचर तो भूल जाइए, टूरिंग आप इसमें बढ़िया कर सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल सीट है, बहुत ही अच्छा टॉर्क है, बहुत ही बढ़िया स्मूथ रिलैक्स वाइब फ्री इंजन है। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कावासाकी का तो इंजन भाई आप सभी जानते हो, बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट जापानीज बाइक मेकर्स, और मेरा इस बाइक को लेने का यही रीज़न है कि मुझे एनलाइन 4 चाहिए थी। नज़र तो मेरी अफ्रीका ट्विन पे थी, बट इससे 8-9 लाख रुपए महंगी थी। होंडा को तो पता नहीं क्या ही हो गया है प्राइसिंग के साथ, बहुत ही दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं।
मेरा CB500X लेने का बहुत ही ज़्यादा मन था, बट 9 लाख की, 8.5 लाख, 9 लाख की, 500, 8 से 9 लाख के बीच की है आई थिंक, इधर 9 लाख की है, गुजरात में 8 लाख की है, सो 8.5 लाख की, तो 8 से 9 लाख की 500 cc लेने से अच्छा है मैंने इसमें अपग्रेड कर दिया 3 लाख और 3-4 लाख और डाल के, इसके लिए फिर मैंने ये प्रेफर किया। ये बाइक मुझे बहुत ही बढ़िया डील में भी मिल गई, ब्रांड न्यू और न्यू, सो इसके लिए फिर मैंने इसी में इन्वेस्ट कर दिया थोड़ा सेव करके। और मुझे इसकी एक बढ़िया बात तो यही लगी है कि यार बहुत कंफर्टेबल है सस्पेंशन, मुझे थोड़ा बैठ के टिंकर अराउंड करना पड़ेगा, देखते हैं अभी फर्स्ट सर्विस का तो टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया, आज तो 800 तक तो 750 किलोमीटर तक तो पहुंच ही जाएगी, तो हार्डली फिर 200-250 किलोमीटर बचता है, तो उनसे टिंकर करने को बोलूँगा, अगर उनसे नहीं हुआ तो फिर बैठ के खुद करना पड़ेगा एक दिन। तकलीफ यही है यार, टेक्नीशियन नॉलेज भी होना चाहिए, अभी मेरा तो इतना यार ध्यान नहीं है, अभी देखते हैं, मैं तो सर पे चढ़ के बैठूँगा टेक्नीशियन के, अगर उसने सही से नहीं किया तो मैं शोरूम पे ही बैठने का प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला है कि एक दिन में मुझे हो जाना चाहिए। लेट्स सी, आप इनलाइन सिम्फनी इसका इतना ज़्यादा नहीं सुन पाओगे, बिकॉज एक तो मेरा माइक हेलमेट के अंदर है, और दूसरा बात ये है कि इसका BS6 होने के कारण इनलाइन 4 सिम्फनी इतना कुछ अमेजिंग नहीं है, फिर भी ठीक है, काफ़ी बढ़िया साउंड करती है, वर्क्स फॉर मी अ गाय कमिंग फ्रॉम 400 cc डोमिना डायरेक्टली टू इनलाइन 4 बी, सो मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया से काम करता है, और बीइंग अ टूरर बाइक इतने ज़्यादा साउंड भी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो इरिटेटिंग हो जाता है, बहुत काफ़ी हद तक इरिटेटिंग हो जाता है। अरे भैया सर पे आओगे क्या, दिखाई नहीं देता, अजीब, अंधों को दिखाई नहीं देता, पता नहीं अपने ही सपने में चला रहते, मैं भी रॉन्ग साइड पे हूँ, बट या बिकॉज ये रोड आई डोंट नो व्हाई, वहाँ जहाँ टर्न बनाना चाहिए था वहाँ बनाया नहीं, और सबको भुगतना पड़ता है, रॉन्ग साइड पे जाना पड़ता है, मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि तुम रॉन्ग साइड जाओ और अपनी गाड़ी ठोक दो, ताकि इंश्योरेंस वाला तुमको पैसा ना दे, बोल के फायदा नहीं, कुछ भी मतलब कहीं भी कुछ भी रोड बना देते, पहले तो बोला था कि हम लोग वहाँ से स्ट्रेट रोड कर देंगे, इसके लिए किया है, ये रोड बने भाई साहब ना जाने 5-6 साल हो गया है, अभी तक वो रोड बना नहीं, करने से पहले सोच तो लो तुमको कितना फुर्सत लगेगा ये रोड बनाने को, पगड़ का लोगों को परेशानी। आज हम जा रहे हैं या तो मरुवंत या तो मुर्डेश्वर, दोनों KTRC मैंने 3 पे रख दिया है और पावर मोड फुल रखा है मैंने, क्योंकि मुझे वो लो पावर मोड पे रनिंग नहीं करना था अपने इंजन का, वो थोड़ा रिस्पॉन्स नॉम डाउन हो जाता है, इसके लिए अगर इंजन उस सेटिंग पे बैठ जाएगा तो फिर क्या पता उसको फिर आदत नहीं रहेगी, मैं थोड़ा रेव हैप्पी पर्सन हूँ, मुझे लिटरली मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कभी ये 1600 किलोमीटर पार करेगी और मैं पूरा थ्रॉटल खोलूँगा, देखते हैं वो दिन कब आएगा, होप सो जल्दी आए। आज की राइड होगी टू एंड फ्रो 110 किलोमीटर की, ज़्यादा लंबी राइड मैंने नहीं चुनी है, क्योंकि अब तो जानते हो भैया तेल बहुत महंगा है, इतना महंगा है कि क्या बोले अभी, और ये पीती भी इतना है बिकॉज दिस इज अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, क्या कर सकते हैं, 18-19 का माइलेज दे रही है, फिर नई नवेली दुल्हन है इसके लिए, फिर टाइम 22-24 का क्लेम्ड है, तो चलो ना 22 दे दे तो भी बड़ी बात है, अराउंड 450 का रेंज भी मुझे दे दे पर टैंक,
आई थिंक मोर देन इनफ है। क्या गिरा था? कुछ तो गिरा था, कुत्ता खींच के चला गया। अराउंड 450 का रेंज मिल जाए तो बहुत है। एट प्रेजेंट भी काफ़ी अच्छा था, 300 का रेंज में कर चुका हूँ, एक बार दिखा रहा है। 96 का रेंज दिखा रहा है तो ऑलमोस्ट मैं इस राइड से रिटर्न तो आ जाऊँगा। मैं ट्राई करूँगा, अच्छा पावर वाला पंप मिल गया तो रिफ्यूल कर दूँगा, बिकॉज नहीं बाइक को प्यासा नहीं रखना चाहिए। स्पेशली इन्हें तो ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है, कबीर सिंह जी से इन्होंने ट्रेनिंग भी है, उनके साथ वो ऑपरेशन में जाते थे ये, इसके लिए थोड़ा उन्होंने पिलाने की आदत लगा दी इसको, इसके लिए थोड़ा सा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है इन्हें। कोई नहीं, हमारे साथ रह के थोड़ा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम कम हो जाएगा इनका। कबीर सिंह जी को थोड़ा फटकार देना पड़ेगा कि आपने इसकी आदतें बिगाड़ दी है। देखते हैं अभी इनकी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम सुधरती है या हमारे जेब खाली होती है। मुझे इसका हॉर्न बहुत ही घटिया लगता है गाइस। और हर सुपर बाइक का ये प्रॉब्लम है, हर सुपर बाइक का। अरे भाई रॉयल एनफील्ड 2.5 लाख में इतना बढ़िया हॉर्न देती है, तुम लोग को क्या ही तकलीफ है डालने को। मतलब क्या रेवबॉम, मतलब तुम चाहते क्या कि हम रेवबॉम मार के लोगों को डरा और हमारे इंजन की MBA कर दे। और ये हमने 3 डिजिट आंकड़ा पार कर लिया है। ये हम पहुंच गए भ्रमारा भी हम क्रॉस कर रहे हैं। अरे 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 भैया जी, ओ धक्का दे रहे हैं। अच्छा ओके, पीछे रूना वाले धक्का दे रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो गया। इतने अमेजिंग, इतने सुशील लोग हैं हमारे देश में। देखिए ऐसे यू टर्न मार रहे थे जैसे उनके बाप ने इस रोड को बनाया था। हाईवे पे ऐसे हरकतें करते हैं लोग, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता। लिटरली इंडिया में हाईवे सेंस बहुत रिक्वायर्ड है। आई थिंक इंडिया में भी दुबई जैसा रूल लागू कर देना चाहिए कि एक साल भाई तुम अपने पिछवाड़े घिसो और तुमको लाइसेंस मिलेगा। क्योंकि रियली एक्सीडेंट्स इतने कम हो जाएंगे उसके बाद, बट क्या करें हमारे। ये चमन देख रहे हो ना, उसको एक मिडल फिंगर दिखा दिया, अक्कल आए थोड़ा। मतलब देखा बंदे ने, मैं आ रहा हूँ, नहीं भाई मुझे यू टर्न मारना है, उसकी तो बाइक है कहीं भी घुस जाएगी। मैं तो स्लो चला रहा हूँ, मेरी नई नवेल जी दुल्हन है, कोई आ रहा होता भगाते हुए। आज तो संडे है, ब्रेकफास्ट राइड पर लोग निकलते हैं, बट आई डोंट नो इस रूट पे निकलते हैं कि नहीं। उड़ा दिया होता उसकी गाड़ी का परखच्चे, उड़ा दिए होते तो अक्कल आता। बहुत बढ़िया, आई डोंट नो GoPro ने कैप्चर किया कि नहीं, अगर नहीं किया तो रिटर्न आते हैं एक और बार दिखा दूंगा। अब मैं अपने लोकेशन के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। बरवंते, आपने सुना तो होगा और रील्स पे देखा होगा, दो बंदे साइकिल पे जा रहे रहते हैं और एक ऐसा ब्रिज रहता है, एक साइड पे बीच दिखता है, एक साइड पे नदी दिखता है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लोकेशन ऑफ उड़पी तमिलनाडु, मेरा एरिया जहाँ से मैं हेल करता हूँ उसे तमिलनाडु कहा जाता है, जो कि कंप्राइजेज ऑफ उड़पी मैंगलोर एंड कासरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, उड़पी मैंगलोर कर्नाटका में आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता रहूँगा अपने चैनल के थ्रू। अरे रे आंटी जी, फूल तोड़ने आए हाँ सुबह सुबह, आपके गार्डन में कल्याणी खेलती क्या? बाइक रिजर्व पे आ गई, तो मुझे एक बड़ा फ्यूल पंप चाहिए। कॉन्ट्रेस रेंज तो तगड़ा दिखा रहा है, HP का पंप तो दिख रहा है, पावर है क्या?
टेरा पावर के में थोड़ा रिस्की लगता, मतलब अगर मैं अपना ऑक्टेन बूस्टर लाया होता तो इतना दर्द नहीं था मुझे। हाय ब्रेकिंग देखो यार इसका, अरे यार पावर इदेया, पावर पावर कार्ड इदेया फुल फुल ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಆಯ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಂತು. ಹಾಂ ನಾ ಬನ್ನಲೆ ನಾ ಹಮೆ ಜಾಯಿನ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಹೇ ದೆ ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಸಿನ್ಸ್ ದೂರ್ ಕೆ ಕಸಿನ್ಸ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಕರ್ ದಿಯಾ ಹಮ್ನೆ, ಮೆ ಥೋಡಾ ಸ್ಲೋ ಚಲಾಊಂಗಾ क्योंकि वो लोग पीछे से आ रहे तो लेट देम कैच मी अप विद मी. अब 227 किलोमीटर का रेंज है क्या, नहीं 343 का रेंज है क्या. ज्वाइन कर पाए वो लोग अभी निकल रहे हैं, और अगर थोड़ा मैं लेट निकल जाए एक हाफ एन आवर तो वो लोग मुझे ज्वाइन कर लेते हम लोग साथ में. ये है कुंदापुरा का हाईवे जो कि 10 सालों से बन रहा है, आई थिंक 7-8 सालों से बन रहा है, बट अब जाके फाइनली बन चुका है. इतने सालों बाद इन्होंने बीजेपी ने स्टेट में जब से पावर लिया बहुत सारे ब्रिजेस बन गए. पंपल अगर आप गूगल करोगे तो वो भी 10-15 सालों से बाकी था, फाइनली बन गया. काफ़ी बढ़िया 3-लेनिंग ब्रिज बना दिया. अब मुझे गुजरात जाने के लिए बड़ी आसानी, बाय द वे मैं कार से गुजरात जाता हूँ तो मेरे लिए तो बड़ा आसान हो गया, वरना इधर थोड़ा ट्रैफिक मिलता था. और यहाँ के बस ड्राइवर्स बहुत मतलब बहुत ही बेकार चलाते हैं, बाप रे बाप, बस और कभी कभी ट्रक ड्राइवर्स भी. सो थोड़ा उसकी वजह से ऐसे ये जो सर्विस लेन पे थोड़ा तकलीफ हो जाए. पुरानी फैक्ट्री, ऐसे पुरानी चीज़ें देख के दिल को बहुत तसल्ली होती है यार. अरे भैया बेच रहे हो क्या एक 10-20 रुपए में? मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ, कौन ही बेचेगा ऐसी हेरिटेज प्रॉपर्टी. हाय गाइस क्या व्यू है, मजाक है, बारिश होने वाली लग रहा है. अगर बारिश होगी तो मुझे माइक निकालना पड़ जाएगा, फिर आपको सिर्फ म्यूजिक और शॉट्स मिलेंगे. का सुदीप भाई और अविनाश की भाई के पास पुरानी हेडसेट्स होते तो हम काफ़ी मस्ती करते. हिंदी में नहीं होती मस्ती, दोनों में होती, बट मैं सबटाइटल्स डाल देता आप लोग के लिए. ये हम कैसी बातें कर रहे हैं गाइस. अरे भैया जी हमारे पीछे काहे चलावत हो, ठुकवा उकवा दोगे ना तो पिटाई हो ही जावा. बेर माय बिहारी भोजपुरी आई मीन गाइस, थोड़ा गुस्सा मत होना बट समझ लीजिए जितनी आती है उतनी बोलत बा, ठीक बा. हाय हरा हरा दे, ऐसे ग्रीनरी देखने में पता नहीं क्या खुशी होती है, फिर ऐसे लोग देख लो
ज़मीन खरीद के सारी ग्रीनरी हटा देते हैं ज़मीन बेचने के लिए, देखो पानी की धारा भी बंद कर दी। बैठे रही हम मनुष्य प्रजाति की हुई पैदा हुए सुंदर धरती को, धरती पे धरती की सुंदरता उंदरता हटा दी है हमने, पोल्यूशन वोल्यूशन बनाए जा रहे हैं। धरती ने हमारा इतना हमको इतना कुछ दिया, बदले में हम उनको क्या दे रहे हैं? पोल्यूशन, अरे रंग बिरंगे कार, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी, ओके देखिए मट्टी डाली ज़मीन सीधी कर दी, अब तैयार है बेचने के लिए, कोई आके कुछ बांधेगा ज़मीन दर्द आएगी। देख रहे हो ना इटली मैन क्यों खिलवाड़ कर। ये खुली वादियाँ ये खुला आसमां, हर जगह है बादल, क्यों ना बरसे बादल, क्योंकि मैं हूँ यहाँ। मुझे बचाने के लिए इंद्रदेव अपने ऐरावत को ना करे गीला। थोड़ा राइमिंग खराब है बट एक्चुअली मैंने अपने भाई का नाम ऐरावत रखा है, इसके लिए ऐरावत इसलिए रखा गया है क्योंकि मैं थोड़ा अपने हिंदू धर्म के लिए, बहुत सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म में सनातन धर्म के लिए बहुत ही इंक्लाइंड हूँ, सो इसलिए इंद्रदेव के हाथी जिसका नाम ऐरावता था, ऐरावत ऐरावता हर जगह अलग अलग कहा जाता है, तो वो एक सफ़ेद हाथी थे, तो उनके हिसाब से ये भी एक सफ़ेद हाथी है, उस हिसाब से ये भी एक सफ़ेद हाथी है, इसके लिए इस हाथी का भी हमने नाम ऐरावत रखा है, क्योंकि ये इंद्रदेव जब बरसते हैं उस टाइम पे आए हैं हमारी ज़िंदगी में, यानी कि बारिश के समय, इसके लिए इसका नाम रखा गया मैंने ऐरावत। है ना ऐरावत जी, सब बढ़िया की हाल? मदर नेचर इज सो ब्यूटिफुल। हैं वोट वहाँ कहाँ लगा दिए इन्होंने, मुझे पता नहीं कैमरा देख पा रहा कि नहीं, बट वहाँ दो बोट है वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी है। हाँ भाई तो बोट ही है, क्रेन के थ्रू वापस अंदर डालें क्या इसको? देखिए पता नहीं, हमारे मछुआरे काफ़ी एडवांस है। अरे गाइस ये लो मरवंत आ गया, मैंने इतना स्लो चलाया फिर भी आ गया काफ़ी फास्ट। क्या आप देख सकते हो ब्यूटीफुल व्यू, चालू आन। हाय पल्ले, हाय 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 हाय। चूर चूर तो दिस इज द फेमस मरवंते बीच गाइस। यहाँ की खासियत है कि अगर आप देखेंगे तो उस साइड नदी है, कैमरा जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं पता नहीं मुझे, और उस साइड नदी है और इस साइड ये बीच है और इस साइड ये नदी है, अगर अभी आपको थोड़ा दिख रहा हो तो। वर्षा
वर्षा